नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डी मार्ट के क्वार्टर थ्री के नतीजों के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट नतीजे हैं यहां पे, क्योंकि जिस तरीके से नतीजों से पहले डी मार्ट के शेयर में एक शानदार अपमूव देखने को मिला, तो नतीजे भी क्या उसके हिसाब से आते हुए दिखाई दिए हैं, इस सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। साथ ही साथ जिस तरीके से रिलायंस के स्टॉक में थोड़ी गिरावट देखने को मिली, उसका सीधा सीधा फायदा जो है डी मार्ट को यहाँ पे पहुँचता हुआ दिखाई दिया, तो ये सारी चीज़ों के बीच आज क्वार्टर थ्री के यहाँ पे नतीजे जो है आते हुए दिखाई दे रहे हैं डी मार्ट के, किस तरीके के इसको पूरी तरीके से समझेंगे, शेयर की एनालिसिस समझने की कोशिश करेंगे कि सोमवार को किस तरीके से यहाँ पे रिएक्शन आता हुआ दिखाई दे सकता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नतीजों की, तो आपकी स्क्रीन पर नतीजे दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं इनकम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की, तो आपको यह रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिखाई देगा लगभग 7,432 करोड़ रुपए का, जो कि पिछले साल के दिसंबर क्वार्टर से आप कंपेयर करेंगे तो 6,751 करोड़ के आसपास का था। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी जो बढ़त है वो आपको साल दर साल यहाँ पे देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पिछले क्वार्टर की, तो 5,218 करोड़, तो क्वार्टर दर क्वार्टर यहाँ पे एक शानदार बढ़त देखने को मिली है। जिस तरीके से हरियाणा और पंजाब साइड में प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, तो वहां पे जिस तरीके से रिलायंस रिटेल के जो स्टोर्स बंद है, उसका भी सीधा सीधा जो फायदा है वो आपको यहां पे डीमार्ट को देखने को मिल रहा है, तो वो भी यहां पे रेवेन्यू में बढ़ने का एक मात्र कारण यहां पे देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहां पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, किस तरीके के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के नंबर आ रहे हैं, 631 करोड़ का आंकड़ा इस क्वार्टर में आता हुआ दिख रहा है। पिछले साल के क्वार्टर में आंकड़ा था लगभग पिछले साल के क्वार्टर में था 497 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 282 करोड़ रुपीज़, तो ऑलमोस्ट डबल होता हुआ दिख रहा है। और जो टोटल नेट प्रॉफिट का आंकड़ा है इस क्वार्टर का, वो अगर हम देखें आफ्टर टैक्स के बाद, तो 470 करोड़ रुपए का जो प्रॉफिट है कंपनी यहाँ पे पोस्ट कर रही है। पिछले क्वार्टर में 210 करोड़ था, तो दो गुने से भी ज़्यादा बढ़त जो है मुनाफे में यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। यानी कि एक शानदार जो नंबर है वो यहाँ पे कंपनी इस क्वार्टर में पेश करती हुई दिख रही है। पिछले साल भी आंकड़ा लगभग 394 करोड़ था, तो वहाँ से भी अगर आप कंपेयर करते हैं तो 15 से 17% के आसपास की आपको बढ़त आपको पिछले साल के कंपेयर में भी देखने को मिलेगी। तो एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस जो है यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। फेस वैल्यू की बात करें, खासकर बेसिक ईपीएस की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कंपनी की, तो 7.26 जो है इस क्वार्टर में आता हुआ दिख रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 3.25 था। ऑलमोस्ट ईपीएस जो है यहाँ पे डबल होता हुआ दिख रहा है क्वार्टर दर क्वार्टर। पिछले साल में भी 6.3 रुपीज़ था, तो वहाँ से भी आपको यहाँ पे लगभग 1 रुपये की बढ़त जो है वो आपको क्वार्टर साल दर साल जो है देखने को मिल रही है। लेकिन इस क्वार्टर के कुछ की हाइलाइट्स की अगर हम बात करने की कोशिश करें, तो रेवेन्यू में 10.1% की बढ़त देखने को मिली, 7,433 करोड़ का आंकड़ा आता हुआ दिखाई दिया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी 19.3% की यहां पे बढ़त देखने को मिल रही है, 470 करोड़ का ये आंकड़ा आया जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। टोटल रेवेन्यू यहाँ पे साल दर साल 7,433 करोड़ जो है हमने बात की। एबिटा जो है 691 करोड़ का आता हुआ दिखाई, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं 16.6% की एक शानदार बढ़त यहाँ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट में भी 19.3% की 470 करोड़ आया प्रॉफिट, तो साल दर साल यहाँ बढ़त देखने को मिल रही है। 7.26 रुपीस की ईपीएस यहाँ पे आती हुई दिख रही है, 6.3 थी पिछले साल में, ये भी हमने बात की। यहाँ पे एक ही स्टोर जो है नया यहाँ पे क्वार्टर थ्री में कंपनी ने ऐड किया है, बस यहाँ पे ये चीज देखने को आपको मिलेगी कि यहाँ पे ज्यादा कोई स्टोर्स ऐड होते हुए नहीं दिखाई दिए। तो जो नतीजे हैं वो दोस्तों यहाँ पे जो देखने को मिल रहे हैं वो शानदार देखने को मिल रहा है। अब स्टॉक पे किस तरीके का मूव देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कल के दिन के स्टॉक की, किस तरीके से क्लोजिंग देखने को मिली, 2958 पे नतीजों से पहले यहाँ पे स्टॉक क्लोज होता हुआ दिख रहा है। 100% का उछाल जो था वो आपको स्टॉक में देखने को मिला। अभी कुछ ही दिनों पहले यहाँ पे 6 जनवरी के दिन ही 3100 रुपए के 52 वीक हाई जो थे वो यहाँ पे बनते हुए दिखाई दिए। लाइफ टाइम हाई 300 रुपए पे स्टॉक लिस्टिंग के समय आया था, 600 पे ओपनिंग हुई थी, और आज 3000 के पार लगभग स्टॉक देखने को, यानी कि 10 गुना हो चुका है यहाँ से लिस्टिंग प्राइस से। तो एक तगड़ा रिटर्न जो यहाँ पे इस कंपनी ने कमा के दिया है। फ्री फ्लोट मार्केट कैप यहाँ पे लगभग 44,000 करोड़ के आसपास की है, लेकिन अगर इसकी टोटल आप मार्केट कैप देखोगे 2,00,000 करोड़ के आसपास ये स्टॉक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है मार्केट कैप में। सिम्बॉल का पी 200 के पार जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पे सेक्टोरियल पी ऑलमोस्ट 45-46 पे ट्रेड कर रहा है। तो तगड़े वैल्यूएशन पे स्टॉक जो है ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब क्या यहां पे वाकई में बाई करने का मौका है या यहां पे प्रॉफिट बुकिंग करना ज्यादा सही होगा? तो दोस्तों यहां पे एक चीज है कि ये स्टॉक ना अभी एफएनडो में लिस्ट हुआ है और ना ही अभी निफ्टी में आने वाला है, क्योंकि निफ्टी में आने की सबसे पहली शर्त यह होती है कि वो स्टॉक को सबसे पहले एफएनडो में लिस्ट होना पड़ता है। और यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि 2,00,000 करोड़ की कंपनी है, यानी कि
निफ्टी में बहुत सी ऐसी कंपनियां जिनकी मार्केट कैप 1,00,000 करोड़ भी अभी नहीं पहुंची है, तो उस हिसाब से ये एक डिजर्व करता है कि इसको निफ्टी में होना चाहिए, लेकिन कुछ कारणों से ये अभी फिलहाल एफएनडो में नहीं आया। जब तक ये एफएनडो में नहीं आएगा तब तक हम यहाँ पे इसके निफ्टी में आने की बात नहीं कर सकते, लेकिन अगर जिस दिन भी यहाँ पे एक बार खबर आ गई कि ये स्टॉक एफएनडो में आने वाला है दोस्तों, उस दिन सीधा सीधा ये रास्ता साफ हो जाएगा कि फिर ये निफ्टी में बहुत जल्द आने वाला। और अगर ऐसा होता है तो फिर आप समझ सकते हैं कि फंड बेस्ड बाइंग जो कि निफ्टी इंडेक्स के हिसाब से करते हुए दिखाई देते हैं वो अगर करते हैं तो फिर यहाँ पे किस तरीके की जो तेजी है, अपमूव है, वो बनता हुआ दिखाई दे सकता है। ग्रोथ के ऊपर कोई यहाँ पे प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन अगर हम बात करेंगे चार्ट पे किस तरीके के लेवल जो है इंपॉर्टेंट होते हुए दिखाई देंगे सोमवार के लिए, यहाँ पे आपने देखा पिछले 2-3 महीनों में एक अच्छा अपमूव जो है निचले लेवल से देखने मिला। 2,000 रुपये के आसपास जो था स्टॉक कामकाज कहीं ना कहीं करता हुआ दिखाई देता था। यहाँ पे बहुत से लोगों को लग रहा था कि स्टॉक टूट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2,000 रुपये के आसपास कहीं ना कहीं स्टॉक ने अच्छा सब बेस बनाया था। 2,500 से 2,000 के बीच लगभग 8 महीने के आसपास यहाँ पे 7-8 महीने काम करता हुआ दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही 2,500 रुपये के स्टॉक ने यहाँ पे अपने प्रीवियस हाई को निकाला उसके बाद से एक तगड़ा तेजी जो है यहाँ पे आपको देखने को मिला। और जब कभी भी इसने अपने पुराने हाई को निकाला है तो वही लेवल इसके लिए सपोर्ट के रूप में काम करते हैं, उसके बाद ये स्टॉक उसके नीचे नहीं जाने की कोशिश करता। इससे पहले भी आप यहाँ देखेंगे कि जिस तरीके से इस स्टॉक ने अपने लगभग प्रीवियस हाई को निकाला था 1,680 के आसपास के, तो वही लेवल जो था इसके लिए प्रीवियस फिर सपोर्ट के रूप में कामकाज करता हुआ दिखाई दे, यानी कि उसके बाद जब स्टॉक में कभी भी गिरावट आई तो उस लेवल को कभी भी नीचे की तरफ ब्रीच नहीं किया। तो यहाँ पे अगर यही पैटर्न फॉलो होता है तो यहाँ पे एक सबसे बेस्ट बाइंग जोन जो होगा वो 2,500 रुपये से लेके 2,700 रुपये के बीच का आपके लिए एक बाइंग जोन हो सकता है, यानी कि रिसेंटली में अभी और अगर फ्यूचर में भी कभी किसी भी प्रकार की कोई गिरावट आती है तो आपको 2,500 से 2,700 के बीच एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन मिलेगा, यानी कि इस जोन में अगर ये स्टॉक आता है अच्छी खासी एक्यूमुलेशन की ये आपको अपॉर्चुनिटी देगा अगर ऐसा होता है। लेकिन अपसाइड में अगर हम बात करें तो ये स्टॉक अब ब्लू स्काई जोन में है, तो अपसाइड में आपको हो सकता है और भी अच्छे खासे 3,300-3,200 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं, जो इसका रिसेंट हाई परसों नरसों पड़ता हुआ दिखाई दिया था 6 जनवरी को 3,100 का। अगर वो लेवल इस स्टॉक ने निकाल दिया ऊपर की तरफ तो आपको ऊपर की तरफ और भी फिर अच्छे खासे जो लेवल है वो देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर स्टॉप लॉस की भी अगर आप बात करते हैं, अगर कोई की ट्रेडिंग पोजीशन है सिंपली, तो 2,900 के आसपास जो इसके प्रीवियस क्लोज लेवल थे 2-3 दिन पहले के, वहाँ पे आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं रीजनेबली। लेकिन अगर आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो आप डेफिनेटली इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। तो यहाँ पे चार्ट्स में कोई खास स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं हुआ है, चार्ट हमेशा बुलिश मोमेंटम में है। अब यहाँ पे 3,000 रुपये का स्टॉक 300 रुपये का स्टॉक 3,000 रुपये हो चुका है, तो अगर यहाँ पे 300-400 रुपये की कोई करेक्शन आ जाती है इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक कुत्ते के बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। जहाँ तक कि रिटेल बिजनेस का इसका सवाल है, पूरे तरीके से सक्सेस यहाँ पे स्टोरी चलती हुई दिखाई दे रही है, तो इस चीज़ का भी फायदा इस कंपनी को होता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।